See, first name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. How are you, my lovely students? Hope you will be fine. I am your teacher of math. Today we'll be write in math first copy. This is your math first copy. चले इसे ओपन करते हैं. आज हम करेंगे पेज नंबर 43 एंड 44 और डे फॉलो हो रहा है 36. इसके साथ साथ ओपन करें. फॉलो हो रहा है 36. इसके साथ साथ लिखें बेटा. What will be right in center? C dot W. आज हम क्या करेंगे पेज नंबर 43 पे करेंगे. सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ एक्स एंड कलर द पिक्चर. ठीक है बेटा, पहले हम इन एक्स को काउंट करेंगे, फिर देखेंगे कि किस नंबर पे हमें सर्कल करना है. काउंट करें इसके साथ साथ. 1 2 3 4 5 6. सिक्स एग है, देखें ये सिक्स लिखा हुआ है ना, इस पर सर्कल करें इसके साथ साथ. और ये जो हैंड की पिक्चर दी गई है इस पर आप घर पे कलर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं 44 पे. सेम डे फॉलो हो रहा है 36. सेंटर में सी डॉट डब्ल्यू मीन्स क्लास वर्क. ठीक है, 44 पेज पे क्या करेंगे, मैच द सेम शेप. ठीक है बेटा, ये देखेंगे कौन सा शेप है, सर्कल. मिसने आपको पढ़ाया है ना, इसकी स्पेलिंग याद करवाइए, सर्कल. ठीक है, सर्कल से इस सर्कल को हम मैच करेंगे. ये कौन सा शेप है, स्क्वायर. कौन सा शेप है, स्क्वायर. इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ हम मैच करेंगे. ठीक है, ये कौन सा शेप है, ट्राइंगल. कौन सा शेप है, ट्राइंगल. चलिए ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ मैच करें. ठीक है बेटा, इसमें आप घर पे बैठ के कलर भी करेंगे, डर्टी काम नहीं करेंगे और कलर को ज़रा भी बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट अच्छा सा. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी उर्दू की KG1 की टीचर हूँ. आज हम किसकी राइटिंग करेंगे, उर्दू राइटिंग. किसकी राइटिंग करेंगे, उर्दू राइटिंग. ये हमारी किसकी फॉरस है, उर्दू फॉरस. चलें अब हम इसे ओपन करते हैं. आज हमारा सफ़ा नंबर है 34. सफ़ा नंबर 34. आज हमारा प्लानिंग का कौन सा डे फॉलो हो रहा है, 36. कौन सा डे फॉलो हो रहा है, 36. आज हमें काम क्या करना है, जीम से लेके खे तक की लिखाई. हमें इस पूरे पेज पर जीम का खानदान लिखना है. ठीक है, चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं. जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे. जीम के बाद चे, चे के पेट में तीन नुक्ते. चे के बाद हे, हे खाली. हे के बाद खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, फिर एक लाइन स्किप करके नीचे आ जाएंगे. ठीक है, जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता. जीम के बाद चे, चे के पेट में तीन नुक्ते. चे के बाद हे, हे खाली. हे के बाद खे, खे के पेट, खे के ऊपर एक नुक्ता. आज हमारे दो पेज है. आज हम एक ये पेज किया हमने, अब इसके बाद सफ़ा नंबर 44. सफ़ा नंबर 44. अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है.
जीम के गिर्द दायरा बनाएं। जीम जग। अब इन सब में जहाँ जहाँ जीम होंगे वहाँ हमको क्या करना है, सर्कल करना है। अब इस लाइन में जीम कहाँ बना हुआ है, यहाँ, तो हम क्या करेंगे, सर्कल। इसके बाद यहाँ जीम ये रहा, तो हम क्या करेंगे, सर्कल। इसके बाद इस लाइन में ये रहा, सर्कल। अच्छा अच्छा काम करेंगे, नीट एंड क्लीन, और जग में कलर भी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे अस्माउल हुस्ना और अस्माउन नबी। अस्माउल हुस्ना जो कि हमारी इस्लामियत की किताब सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है, तो आए बच्चों हम सफ़ा नंबर 7 खोलते हैं। सफ़ा नंबर सात। अस्माउल हुस्ना, अस्माउल हुस्ना किसे कहते हैं, अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के नामों को कहते हैं। आज हम अल्लाह ताला के नामों में से तीसरा और चौथा नाम याद करेंगे, उससे पहले हम पहला और दूसरे नाम की दोहराई करेंगे जो कि हम पहले याद कर चुके हैं। आए बच्चों पहले और दूसरे नाम की दोहराई करते हैं। अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाह ताला का ذاتی नाम है। अल्लाहू अल्लाह ताला का ذاتی नाम है। अर्रहीमु बड़ा मेहरबान, अर्रहीमु बड़ा मेहरबान। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 8 पर। सफ़ा नंबर आठ। तो आज हम याद करेंगे अल्लाह ताला के नामों में से तीसरा और चौथा नाम। अल मालिकु बादशाह। अर्रहमानु बहुत रहम करने वाला। अर्रहमानु बहुत रहम करने वाला। अर्रहमानु बहुत रहम करने वाला। अभी जो हमने याद किए थे वो नाम अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नाम थे। अब हम याद करेंगे अस्माउल नबी, हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। सफ़ा नंबर 10 खोलें। सफ़ा नंबर दस। अस्माउन नबी किसे कहते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को अस्माउन नबी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा नाम अस्माउन नबी का, लेकिन उससे पहले हम हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले और दूसरे नाम की दोहराई करेंगे। अस्माउन नबी रसूलुन पैगाम पहुँचाने वाला। नबीयुन गैब बताने वाला। अब सफ़ा नंबर 11 पर आ जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो नाम हैं जो हम आज याद करेंगे। मोहम्मदुन बहुत तारीफ़ किया गया। अहमदुन बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला
बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला, बहुत ज़्यादा हम्द करने वाला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास नर्सरी की अरबिक की टीचर मिस हिरा फैसल। आज हम अरबी में याद करेंगे अलबैतून, अलबैतून घर, अलबैतून घर, जहाँ हम रहते हैं उसे अरबी में क्या कहते हैं? अलबैतून। और उर्दू में क्या कहते हैं? घर। साअतून घड़ी, साअतून घड़ी, जिसमें हम वक्त देखते हैं उसे अरबिक में क्या कहते हैं? साअतून। और उर्दू में क्या कहते हैं? घड़ी। आज हम अरबी में नया हर्फ याद करेंगे। हाथीफोन टेलीफोन, हाथीफोन टेलीफोन, टेलीफोन जिससे हम दूर बैठे लोगों से बआसानी रब्ता कर सकते हैं उसे अरबिक में हाथीफोन कहते हैं और उर्दू में टेलीफोन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।